जैरदल में शनिवार को अनाज मंडी पूर्णतया बंद रही। व्यापार समिति अध्यक्ष अशोक डाटा ने बताया कि भारत सरकार की ओर से गेहूं, आटा, दाल, चावल, गुड़, शहद और आदि पर 5% जीएसटी लगाया जा रहा है, जिसके विरोध में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने 16 जुलाई शनिवार को देश की सभी मंडियों में मिलों को पूर्णतया बंद कर विरोध प्रकट किया। बंद का राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ जयपुर ने समर्थन कर राज्य की सभी मंडियों को बंद रखने का निर्णय लिया। निर्णय के तहत खैरतल मंडी को 16 जुलाई को पूर्णतया बंद रखकर विरोध प्रकट किया गया। इस दौरान मंडी में दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। बोलो। आज ये मंडी पूर्णतः व्यापारियों ने हड़ताल रख रखी है। इसके जितने सरकार ने ये 5% जो जीएसटी पर लगाए हैं रिटेल दुकानदारों के ऊपर, उसके उपलक्ष्य में मंडी 247 मंडियों में पूर्णतः व्यापार बंद कर रखा है और आप देख सकते हैं कि सारी मंडी सुचारू रूप से बंद है। कोई कामकाज नहीं हो रहा आज? बिल्कुल भी कोई कामकाज नहीं हो रहा। 247 मंडी का आह्वान है और हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि ये 247 मंडी बंद रहेगी। भूलवश और कोई किसान लेकर आ रहे हैं अपनी जींस तो ले रहे हैं आप उनकी? नहीं, वो जो भी किसी किसान भाइयों को जींस जो लेकर आ रहे हैं उनको हम माल उतरवा रहे हैं, ना तो छन रहे, ना तुल रहे, ना ही बिक रहा है वो माल। वो माल अब मंडी को जाके बिकेगा। केवल आज अगर बंद रहेगी या फिर आगे भी कोई ऐसा है? आज अभी तक तो आज के आदेश आए हैं। अगर मान लो अध्यक्ष साहब जी ने ये कह दिया, जो हमारे जयपुर अध्यक्ष साहब है बाबूराम जी, अगर उन्होंने बोल दिया कि मंडी एक्सटेंड करनी है बंद करने के लिए, तो एक्सटेंड भी की जाएगी।